वल्लभ भवन के तीसरे फ्लोर पर आग लगी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पुरानी फाइलों और कचरे के ढेर में आग लगी है। भोपाल में वल्लभ भवन में आग लगी है। वल्लभ भवन के तीसरे फ्लोर पर आग लगी और पुरानी फाइलों और कचरे के ढेर में आग लगी है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आग लगने की खबर जैसे ही लगी, फौरन दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आप देख सकते हैं ये पानी की बौछार की जा रही है आग को बुझाने के लिए। चौथे फ्लोर तक आग की लपटें पहुंच गई हैं। समय रहते आग पर काबू पाया गया है। हो सकता था कोई बड़ा हादसा, लेकिन इस बीच वल्लभ भवन में एमपी का सचिवालय है, मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों के भी दफ्तर यहां पर है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, आवाज आ रही है आपको? शैलेंद्र, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं आपको तस्वीर दिखाइए, दिखाना चाहूंगा कि वल्लभ भवन के तीसरे फ्लोर पर आग लगी थी और धीरे धीरे करके आग अब चौथे और पांचवे फ्लोर पर पहुंच गई है। फायर ब्रिगेड की तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहां बुलाई गई है और आग पर काबू पाने का प्रयास जो है वो दमकल की गाड़ियां कर रही है। देखिए, काफी हाइट पर आग थी और यही कारण है कि जो पहले छोटी गाड़ियां आई थी उनके माध्यम से ऊपरी मंजिल तक नहीं पहुंचा जा रहा था, लेकिन अब जो है हाइड्रोलिक गाड़ियां यहाँ पर फायर ब्रिगेड की बुलाई गई है, उनके माध्यम से ऊपरी हिस्से में जो आग लगी है उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि थर्ड फ्लोर पर सबसे पहले आग भड़की थी, जो वहां पर कचरा पड़ा हुआ था उसमें आग लगी, उसके बाद रद्दी फाइलें थी उसमें आग लगी और उसके बाद धीरे धीरे करके आग ने विकराल रूप ले लिया था। देखिए, लगभग 10 से 10:30 बजे के बीच का ये समय बताया जा रहा है कि जब आग लगी थी, और यही समय होता है कि जब कर्मचारी जो है वो वल्लभ भवन में आना शुरू करते हैं। तो ये माना जा रहा है कि जैसे ही कर्मचारी आना शुरू हुआ उसके तभी ये आग लग गई थी और यही कारण है कि ये आग पर किसी की तुरंत नजर नहीं पड़ी और आग ने विकराल रूप ले लिया। हालांकि जब मौके पर तमाम जो कर्मचारी हैं वो जब यहां पहुंचे और उसके बाद जो है वो आग पर काबू पाने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। दमकल की तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहां बुलाई गई हैं। फायर ब्रिगेड का अमला यहां पर पहुंचा हुआ है, इसके अलावा SDRF की टीम भी यहां पर बुलाई गई है। देखिए, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इस पूरे इलाके में कर्मचारी भी मौजूद थे और आग की लपटें जब तेज हुई तो कुछ कर्मचारियों के फंसे होने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। इसी यही कारण कि SDRF को बुलाया गया है। एम्बुलेंस की जो है वो यहां पर अब बुलाई गई है ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके और जो लोग इसमें आग में अंदर फंसे हुए उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए, ये प्रयास जो है वो प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो है वो लगातार खड़ा होता है कि अब से कुछ दिन पहले ही सतपुड़ा भवन में इसी तरह की आग लगी थी और उस वक्त ये दावे किए गए थे कि इस तरह की जो सरकारी बिल्डिंगें हैं उनमें आगजनी की घटना ना हो, इसके पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन ये घटना बताती है कि उस समय भले ही सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए, भले ही अधिकारियों ने इस तरह आश्वस्त किया हो किस तरह की घटनाएं नहीं होगी, लेकिन वल्लभ भवन मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण मुख्य दफ्तर है, ये मुख्यमंत्री का सचिवालय है, ये प्रदेश के तमाम जो पदाधिकारी नेता है मंत्री है वो यहाँ पर बैठते हैं, उनके PS यहाँ पर बैठते हैं। मध्य प्रदेश का कामकाज यहाँ से चलता है और यहीं पर इतनी बड़ी लापरवाही कि एक आग लगती है और आग को समय पर काबू नहीं पाया जाता, धीरे धीरे करके जो है वो इतना विकराल रूप धारण कर लेती है कि उस पर काबू पाना जो है वो मुश्किल पड़ जाता है। आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा कि SDRF की टीम जो है वो यहाँ पर अब आ पहुंची हुई है और जिस तरीके से जो लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है उनको रेस्क्यू करने का काम ये टीम करेगी। आप सीधी तस्वीरों में देखिए SDRF की जो टीम है वो बड़ी संख्या में जो लोग हैं जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब वो पूरी तैयारी के साथ जो है वो अब बिल्डिंग में अंदर घुसेंगे और जो लोग भी इसमें फंसे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास किया जाएगा। तो एक एक करके जो बड़ी जो फायर ब्रिगेड है उनको बुलाया जा रहा है, देखिए क्योंकि तीसरी मंजिल पर आग लगी थी और धीरे धीरे करके चौथी और पांचवी मंजिल तक पहुंची है, तो ऐसे में ऊपरी हिस्से तक पहुंचने के लिए छोटी जो गाड़ियां हैं वो काफी नहीं है और यही कारण है कि जो हाइड्रोलिक दमकल की गाड़ियां हैं उनको यहां बुलाया जा रहा है और छोटी गाड़ियों से जो है पानी रिफिल करने का काम किया जा रहा है। तो तमाम जो प्रयास है वो आग पर काबू पाने के किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आग भड़की हुई है तो लगता नहीं है कि इतनी आसानी से आग पर काबू पाया सकता है, क्योंकि अब तस्वीरों में जिस तरीके से देखते हैं कि ये पूरा इलाका जो है वो धुएं का गुबार में ढका हुआ नजर आ रहा है, तो ये बताता है कि आग कितनी भीषण है। हालांकि हाइड्रोलिक मशीन जो आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी उसके माध्यम से इलाके को जो फिफ्थ फ्लोर पर आग लगी है उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी फिलहाल आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है। अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि
अंदर कितने लोग फंसे थे, क्योंकि देखिए 10 बजे से दफ्तर शुरू होता है, 10 से 10:30 तक सभी कर्मचारी आ जाते हैं और आग लगने का घटना भी लगभग उसी समय की बताई जा रही है। तो ऐसे में आशंका है कि कुछ लोग कर्मचारी जो है वो इसमें फंसे हो सकते हैं। हालांकि उसके बाद जो लोग कर्मचारी अधिकारी आए उनको सिक्योरिटी ने बाहर ही रोक दिया है, और क्योंकि अंदर जाना फिलहाल अलाउ नहीं है। भले ही एक हिस्से में आग लगी हो लेकिन बाकी हिस्से के चपेट में ना आ जाए, यही कारण है कि तमाम जो कर्मचारी हैं उनको फिलहाल अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो अब आग पर जो काबू पाने के प्रयास जो है वो लगातार किए भी जा रहे हैं। देखिए अभी फिलहाल राहत की बात ये कही जा सकती है कि पहले जो आग की लपटें नजर आ रही थी अब वो थोड़ी सी कम हो गई है, अब केवल धुआं नजर आ रहा है। तो माना जा सकता है कि हाइड्रोलिक जब मशीन आई है तो उसके माध्यम से जब पानी फेंका जा रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आग में कमी जरूर आई है, लेकिन धुआं जो है वो लगातार उठ रहा है। तो अभी आग पर पूरी तरह काबू पाने के लिए बहुत समय जो है प्रशासन को देना होगा। हालांकि प्रशासन की टीम जो है वो लगातार इस प्रयास में जुटी हुई है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए। शैलेंद्र, आग देखकर लग भी रहा है कि दमकल की गाड़ियों को और भी मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि यह आग ने फ्लोर दर फ्लोर चपेट में ले लिया है और कई दस्तावेज इसमें जलकर राख हो चुके हैं। सीएम का ऑफिस भी यहीं पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आग को काबू में करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं वो नहीं थे क्या? और 12 जून 2023 को भी आग लगी थी, जब तब भी सबक नहीं लिया लोगों ने? देखिए बिल्कुल सवाल वही खड़ा हो रहा है कि कुछ दिन पहले जब सतपुड़ा भवन में आग लगी थी वो इसी का हिस्सा है, पास में ही वो सतपुड़ा भवन है। सतपुड़ा भवन में जब आग लगी थी तो आखिर उस समय तमाम जो दावे हैं वो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किए गए थे, अधिकारियों की तरफ से किए गए थे कि सरकारी दफ्तरों में फायर फाइटर के इंतजाम किए जाएंगे, किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। सभी विभागों को निर्देशित भी कर दिया था कि अपने अपने दफ्तरों में पर्याप्त फायर फाइटर की व्यवस्था करें। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फंड भी इसके लिए अलॉट किया था, लेकिन जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि उसके कुछ महीनों बाद ही सबसे प्रमुख दफ्तर बल्लभ भवन यानी मध्य प्रदेश के सचिवालय में आग लग जाती है, और केवल छोटी आग लगती है बल्कि थर्ड फ्लोर पर ही आग लगती है, धीरे धीरे करके पहले चौथे फ्लोर को कवर करती है फिर पांचवें फ्लोर तक पहुंच जाती है, तब तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सकता। और अब बड़ी जो क्रेन है, मशीनें हैं, जो फायर ब्रिगेड की टीम है उसको बुलाया जाता है, SDRF की टीम यहाँ पर बुलाई गई है। तो ये बताता है कि भले ही घटना के बाद तमाम तरह के आदेश और निर्देश जारी किए जाते हो लेकिन वास्तविकता में वो निर्णय क्या जमीन पर उतर पाते हैं? यदि यहाँ पर तमाम फायर फाइटर्स का इंतजाम रहे होते और समय रहते इस आग पर काबू पा लिया गया होता तो शायद ये आग इतनी विकराल नहीं होती। अब गनीमत ये है कि फिलहाल जो है आग पर धीरे धीरे काबू पाया जा रहा है। आज वैसे तो शनिवार है, कितने नहीं है वैसे तो शरेंद्र शनिवार है, लेकिन एम्प्लॉयज की संख्या क्या उतनी ही थी जितना हर दिन होती है? देखिए बिल्कुल ये आपने ठीक कहा कि जो शनिवार है लेकिन जिस तरीके से कल भी अवकाश रहा था तो उतनी संख्या में तो नहीं, लेकिन तब भी काफी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कि बस आती देश भर में आचार संहिता लगने वाली है, ऐसे में तमाम जो कागजी काम है उनको पूरा करना जो है वो सरकार की प्राथमिकता है। तो यही कारण है कि जो निर्वाचन से जुड़े हुए काम है वो यहाँ पर हो रहे थे, इसके अलावा और जो अन्य आवश्यक काम है चाहे सरकार के द्वारा नई योजनाओं को लेकर हो, तो तमाम जो काम है उनको करने के लिए जो बड़ी संख्या में कर्मचारी यहां पहुंचे थे और उसके बाद ये आग की चपेट में वो लोग आ गए हैं। तो फिलहाल जो है आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, इस इलाके को रूट को भी डाइवर्ट किया गया है ताकि जो लोग इसमें फंसे हुए होते हैं और अगर वो यहां पर आते हैं तो उनको आसानी से रेस्क्यू किया जाए। यही कारण है कि SDRF की टीम जो है वो इनको यहाँ पर बुलाया गया है, जो वो लगातार अब अंदर जाकर देखेंगे कि आखिर किस तरह की चीजें हैं यहाँ पर, कितने लोग हैं कितने नहीं है। हम उनसे बात कुछ जो कर्मचारी भी यहाँ पहुंचे उनसे बात करेंगे। पांच मिनट में फंसे हुए हैं हमारे, पांच लोग निकाल लिया गया। अभी क्रेन आ गई है, पांच लोग हमारे फंसे, इसलिए मैं तो घबरा रहा हूँ। क्या स्थिति है कुछ? पांच ही मंजिल नहीं, अभी काम करते हैं, मैं यहाँ के यूनियन का अध्यक्ष हूँ, कर्मचारी हूँ। अब ये तो अभी बाद में पता चल पाएगा। ये पांच लोगों के बारे में क्या अपडेट मिला है आपको? सबसे पहले मेरे पास में उनका 9:30 बजे फोन आया कि भाई साहब हम लोग यहाँ पांच ही मंजिल फंस गए, चारों तरफ धुआं धुआं है और मैं निकल नहीं पा रहा हूँ अभी तक नहीं, लेकिन अब उसने अभी बताया है कि क्रेन आ गई है और वहाँ नई बिल्डिंग की तरफ से निकाल दिया जा रहा है। ये केयर टेकर शाखा में है, यहाँ का जो पूरे मंत्रालय का जो
जो कर्मचारी यूनियन के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे 5 लोग जो हैं वो अंदर फंसे हुए थे, इस बात की जानकारी खुद उनके द्वारा जो अंदर लोग फंसे हुए थे उनके द्वारा दी गई थी कि जो लोग वो लोग अंदर फंसे हैं, और उन्होंने कहा कि अब जो है वो तमाम जो अब SDRF की टीम भी यहाँ पहुँच चुकी है और तमाम जो रेस्क्यू टीम यहाँ पहुँची है, तो उम्मीद है कि जल्दी उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। तो ये तो वो लोग हैं जिनके बारे में सूचना मिली है या जिन्होंने अंदर से कॉल करके बताया था कि वो 5वें फ्लोर पर फंसे हुए, चारों तरफ से आग की लपटें हो रही हैं, या ये कहें कि धुआं धुआं हो गया और यही कारण है कि वो उस पर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन आखिर क्या और भी लोग हैं जो अंदर फंसे हुए हैं, ये सूचना अभी थोड़ी देर बाद ही मिल पाएगी। देखिए, लेकिन जिस तरीके से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है वो लगातार यहाँ बुलाई जा रही हैं कि देखिए, क्योंकि आग पर काबू पाना पहली प्राथमिकता है और तमाम जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो बड़ी गाड़ियों को यहां बुलाया जा रहा है, जो छोटे टैंकर से उनके माध्यम से उसमें पानी रिफिल करने का काम जो है वो किया जा रहा है। फिलहाल आप देखेंगे कि राहत की बात ये कही जा सकती है कि धीरे धीरे जो धुआं है वो कम होता नजर आ रहा है, तो ये माना जा सकता है कि धीरे धीरे अब आग पर काबू पाया जा रहा है। लेकिन अभी पूरी तरीके से आग पर काबू कब तक पाया जाएगा ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और लेकिन तमाम जो जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए, फायर ब्रिगेड की जो तमाम गाड़ियाँ हैं उनके माध्यम से आग पर काबू पाने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। और जो कर्मचारी जो नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि कुछ कर्मचारी जो हैं वो अंदर फंसे हैं, उनके द्वारा अंदर से उनको फ़ोन किया गया था और फ़ोन के बाद ही वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये बताता है कि किस तरीके से बड़ी आग जो है वो मुख्यमंत्री सचिवालय में लगी है और अब उस आग पर काबू पाने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। जी, 5वें फ्लोर पर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का ऑफिस है और वहाँ पर भी आग लगी है, सीएम समेत कई मंत्रियों के यहाँ पर दफ्तर है। लेकिन उससे पहले शैलेंद्र, मैं आपसे बातचीत करूं, एक तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये वल्लभ भवन की तस्वीर है और आप देखिए, देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि पहली, चौथी, पांचवी और छठी मंजिल पर ये भीषण आग लगी है। भोपाल के वल्लभ भवन में भीषण आग लगी है और आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है, आग को बुझाया जा रहा है। शैलेंद्र, क्या फोर्सेस बढ़ाया जा सकता है, जरूरत पड़ रही है क्या? भोपाल महापौर आई है, भोपाल महापौर उनसे बात करेंगे। भोपाल महापौर, क्या खबर मिली? जैसे ही पता चला वैसे ही हम लोगों ने, नगर निगम ने अमले को भेजकर और आग पर कंट्रोल करवा लो कि कोई लोग फंसे हुए, अभी जो जानकारी मिल रही है कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष की 5 लोग फंसे हुए वो निकल पा रहे हैं, अधिकारी लोग हैं और उस पर कंट्रोल करवा रहे हैं। ये बार बार आग क्यों लग रही है? पहले विंध्याचल भवन, आग लगने का पता करना पड़ेगा। महापौर जी, केमिकल एयरपोर्ट से मंगाया गया, कौन सा केमिकल है जो एयरपोर्ट से मंगानी पड़ी? जानकारी ले लूं मैं, पता कर लूं पहले, पूरी जानकारी ले लूं, है ना? नगर निगम सुरक्षित जगह मंत्रालय होती है, होता है, उसके बाद भी आग लग गई है। आग लग गई है तो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि आग कैसे लगी। जिम्मेदारों को इस बार कार्रवाई होगी, बिल्कुल। नगर निगम क्या कर सकता है उसके लिए? नगर निगम पता चला आधे घंटे पहले कि आग लगी है, तत्काल पहले अधिकारियों को सूचित यहाँ थे। कितनी आग बुझाने वाली बहाने जो फायर सेफ्टी के इंतजाम होते हैं, फायर सेफ्टी इंतजाम है वो ठीक है? फायर सेफ्टी वो सब देखेंगे, अभी तो अभी वो जाकर तो देखूं मैं कहाँ कौन है। अभी तो आपको पता चला, बताइए कि कोई जनहानि तो नहीं हुई है, लोगों को बचा रहा है? जैसे ही पता चला मैं तो अधिकारियों और कंट्रोल करवा रही थी कि कितनी गाड़ियां पहुंची हैं, अब आकर यहां पर मुआयना कर। मैडम, इस तरीके से आने को बारे आग लगती रही है, क्या इंतजाम किए गए? तो ये भोपाल महापौर है जिनको साफ तौर पर ये कहना है कि उनको जैसे ही जानकारी लगी उन्होंने फायर ब्रिगेड को निर्देशित किया था और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां जो है वो यहां पहुंची है। हालांकि आग कैसे लगी इसके आधिकारिक कारणों के लिए वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, अभी अधिकारी कर्मचारियों से उनकी बात नहीं हुई है। और जो 5 लोग फंसे होने की जानकारी मिली थी उस पर भी उन्होंने कहा कि उनको जानकारी लगी है, SDRF को उसके बारे में बता दिया गया है, अभी वो मौके पर पहुंची है, अंदर अधिकारी कर्मचारियों के साथ बात करेंगी, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर ये आग कैसे लगी। हालांकि वो जरूर कह रही है कि पहले निर्देश दिए गए थे कि वल्लभ भवन जैसे महत्वपूर्ण इलाकों में फायर इक्विपमेंट होने चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अगर यहां पर कोई लापरवाही बरती गई है तो इसकी निश्चित तौर पर जांच की जाएगी और उसमें जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की बात जो है वो भोपाल महापौर करती नजर आ रही है। तो अब देखना होगा कि क्या जल्द ही इस पर राज उठ पाएगा, पर्दा उस पर उठेगा कि आग लगने के कारण
थे और जो इक्विपमेंट होने चाहिए थे, जो उपकरण यहाँ होने चाहिए थे वो यहाँ नहीं थे, तो उसके लिए कौन दोषी होगा। देखिए आपने जिस बात का आपने जिक्र किया, बिल्कुल आपने ठीक कहा, पांचवें मंजिल पर ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठते हैं, उनका यहाँ पर जो केबिन है वो यहाँ पर बैठते, तमाम कामकाज यहाँ करते हैं, और न केवल वो बल्कि मध्य प्रदेश के तमाम जो मंत्री हैं वो इस वल्लभ भवन में बैठते हैं, तमाम जो पीएस हैं वो यहाँ बैठते हैं, तमाम जो पदाधिकारी हैं कर्मचारी हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। और ऐसे महत्वपूर्ण जगह पर आग लगना और आग पर समय रहते काबू ना पाया जाना, ये बताता है कि किस तरीके से लापरवाही जो है वो यहाँ पर की गई है। अब इस लापरवाही कर रहे हैं, किन कारणों से अभी तक पता चला? अभी कुछ पता नहीं चला। मेन मंत्रालय है, मेन वल्लभ भवन है, प्रदेश का सबसे बड़ा दफ्तर है, फायर की इक्विपमेंट है कि नहीं हुई? नहीं, लगातार इसमें मॉकड्रिल होती रही है और पिछले महीने भी मॉकड्रिल हुई थी, तो अभी तो ये बाद में ही कारणों का पता चलेगा कि किस कारणों से आग लगी। फेल क्यों गई मैम, पता चल पाया? लगी थी अभी तो हमारा पहला काम यही है कि हम इसको कंट्रोल करें, तो सेकंड थर्ड फ्लोर का हम लोग को जैसे ही पता चला था कि सेकंड थर्ड फ्लोर में आग लगी है। इसके बहुत बढ़िया था। तो अभी लगातार जांच जारी है और जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा कि आग लगी तो आखिर लगी कैसे। शैलेंद्र लगातार वहां पर बने हुए हैं। शैलेंद्र आप तस्वीर भी दिखा रहे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और भी मुझे लग रहा है कि बढ़ाई गई हैं ताकि आग को काबू में पाया जा सके, क्योंकि ये एक फ्लोर पर आग नहीं लगी है, दो तीन फ्लोर पर आग लगी है। शैलेंद्र बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पहले आधा दर्जन गाड़ियां बुलाई गई थी, छोटी गाड़ियां थी, लगा था कि छोटी सी मामूली आग है, इन छोटी गाड़ियों के माध्यम से बुझा लिया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया आग ने और विकराल रूप लिया और पहले तीसरी मंजिल पर, चौथी पर, पांचवी मंजिल तक ये आग जो है वो बढ़ गई। और यही कारण है कि जो जानकारी आई है उसके आधार पर मैंने सीएस से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले, आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए, और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए। और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल कोई कागज में जाए इसका भी ध्यान रखें, उम्मीद करूंगा कि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसके निर्देश मिल जाएगा। तो मोहन यादव को आप सुन रहे थे, मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान आया है। मोहन यादव ने कहा कि आग कैसे लगी इस बारे में जांच तो होगी, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो इसको भी सुनिश्चित। तीसरे माले पे आग लगी है और अभी जांच क्योंकि बाकी है, जांच जरूरी है और बहुत भीषण आग। सुधीर दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश के एडिटर। सुधीर जी बहुत बड़ी बात है, लापरवाही कहें इसी कि क्या कहें, मुख्यमंत्री जहां बैठते हैं, जहां तमाम मंत्री बैठते हैं वहां पर भीषण आग, और ये दूसरी बार, इससे पहले सतपुड़ा भवन में लगी थी फिर भी सबक नहीं लिया। देखिए बिल्कुल आप जिस तरीके से आग दिख रही है, धीरे धीरे आग जो विकराल रूप धारण करती जा रही है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले जो छोटी आग लगने की खबर ली जा रही थी उसको कितने हल्के में लिया गया। आपने भी देखा होगा, मेरे सहयोगी शरद भदौरिया बता रहे थे कि जब शुरुआत में आग लगी थी तो छोटी गाड़ियां मामूली आग समझकर छोटी गाड़ियां आग बुझाने के लिए भेजी गई थी, और बाद में जब आग ने पहली मंजिल से लेकर चौथी पांचवी छठी मंजिल तक आग पहुंची तो फिर बड़ी गाड़ियों को भेजा गया। सबसे बड़ी बात यही है कि जब अधिकारियों को पहले से यह पता होना चाहिए था कि वल्लभ भवन का जो बिल्डिंग है वो इतनी बड़ी बिल्डिंग है और आग का चूंकि आग ऊपर की तरफ जाती है हमेशा, तो ये अनुमान उनको पहले से होना चाहिए था कि आग विकराल हो ले सकती है। ऐसी स्थिति में इनको पहले से पूरी तैयारी के साथ पहुंचना होता था तो हो सकता था कि आग को समय से पहले ही काबू कर लिया जाता। बड़ी चीज यह है कि मध्य प्रदेश में जो वल्लभ भवन है वो मध्य प्रदेश का सचिवालय है, मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों के दफ्तर उसके अंदर है, जरूरी फाइलें वहां पर होती है, प्रदेश का पूरा संचालन वल्लभ भवन से होता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर किसी भी तरह की जो लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, और मुख्यमंत्री ने भी अभी जो अपना संदेश वो दिया है कि आग की जांच की जाएगी, आग के कारणों की जांच की जाएगी और जो भी लोग लापरवाह है उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बड़ी सवाल ये है कि आपने सुना होगा भी पुलिस अधिकारी ये बता रहे थे कि हमने मॉक ड्रिल की थी, ये की थी, तो अगर मॉक ड्रिल करने के बाद भी अगर आग के लिए आप समय पर नहीं पहुंच पाते तो उसका फायदा क्या है? क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि जब जरूरी फाइलें जहां पर बहुत सारी चीजें, एक चीज और देखिएगा कि जो आग लगी है
उसमें कौन सी महत्वपूर्ण फाइलें जली है, क्योंकि इसके पहले सतपुड़ा भवन में जब आग लगी थी तब भी विपक्ष ने उस चीज को लेके सवाल उठाया था कि कहीं ये किसी को बचाने की कवायद तो नहीं है, यहाँ पर जो जरूरी फाइलें जल रहे थे ऐसा तो नहीं है कि किसी को बचाने का की वजह से आग लगेगी। हालांकि आग के जो कारण है उसकी जांच समिति बनी थी, और चूंकि आज शनिवार है, शनिवार रविवार को आमतौर पर दफ्तर बंद होते हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी जो दफ्तर में मौजूद थे, ऐसी स्थिति में बताया जा रहा है कि कुछ लोग वहां पर फंसे हुए भी हो सकते हैं, 5 लोगों के वहां पर फंसे होने की खबर आ रही है। सुन भी रहे थे सुधीर जी, थोड़ी देर पहले बाइट्स जो कर्मचारियों के आ रहे थे, उनका ये कहना था कि 5 से 6 लोग जिन्होंने सबसे पहले इन्फॉर्म किया कि धुआं उठ रहा है और लगता है आग लग गई है और हमें बाहर निकलने में तकलीफ हो रही है, वो अब तक बाहर नहीं आ सके हैं, तो कहा जा सकता है कि कुछ लोग फंसे हैं अंदर और अभी तक इस पर सीरियसली ध्यान नहीं दिया गया। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आप आग को देख रहे होंगे, रास्ते देख रहे होंगे, कई तरह के एग्जिट होते हैं, जब आग लगने की कंडीशन में एग्जिट की व्यवस्था होती है, फायर ब्रिगेड होते हैं, उपकरण होते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि उपकरण भी शायद वहां पर आग बुझाने के जो पर्याप्त उपकरण है वो वहां पर शायद व्यवस्था नहीं रही होगी, क्योंकि अगर होती भी तो उन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता। और अंदाजा इस चीज का आप लगाइए कि अगर ये वर्किंग डे होता, सारे कर्मचारी दफ्तर में मौजूद होते, तो कितनी अफरा तफरी वहां पर मचती और कितना नुकसान होने की संभावना बन सकती थी। फाइलें जो जलेंगी वो तो अलग चीज है, लेकिन मानव का नुकसान भी होने की एक संभावना थी, जिस तरीके से आग उसमें लग रही थी और आग नीचे से ऊपर जा रही थी, ऐसी स्थिति में जो ऊपर की मंजिल के लोग हैं उनको नीचे आना कितना मुश्किल हो जाता। ये सब को देखकर लग रहा है कि जितनी अभी मौजूदा समय में दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद हैं ये इनफ नहीं है और इसको अभी भी बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि देखते ही देखते बल्कि आग अभी फैल रही है, कंट्रोल में अभी आ ही नहीं रही है बिल्कुल भी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से फायर ब्रिगेड, आप उसमें तस्वीरों में देख रहे होंगे कि फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रही है और पानी की जो धार आप देख रहे होंगे कि बिल्डिंग के ऊपर जो डाली जा रही है किस तरीके से, लेकिन एक कोने में अगर आप पानी की धार डालेंगे तो आग का बेसिकली जो बेस होता है उस बेस का सबसे पहले इनको पता करने की जरूरत होती है, जब आप बेस पर आग बुझाएंगे तब जाके आप ऊपर की आग बुझा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी शायद अधिकारियों को यह पता नहीं है कि आग का बेस कहां पर था, हालांकि बताया जा रहा था कि पहली एक खबर आ रही थी कि पहले मंजिल पर आग लगी, बाद में बताया जा रहा था कि तीसरी मंजिल पर आग लगी है, और आग के कारण क्या रहे इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि वहां कर्मचारी संगठन के नेता जो है वो बता रहे थे अभी कि किस तरह की वहां पर व्यवस्था है या किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, वो सब चीजें बता रहे थे। इससे पहले सर याद होगा हरदा में जब पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ तो फिर जोर शोर से चेकिंग चली थी हर जगह और सबने फिर फायर एक्सटिंग्विशर, सैंड बॉल्स, ऐसी कई सारी चीजें अपने दुकानों में और मॉल्स में भी चेकिंग चली थी, लेकिन सचिवालय कैसे पीछे रह गया? देखिए मुझे लगता है कि ये हर बार का चलन है, कहीं का भी हो, पूरे देश में आप उदाहरण अगर लेकर देखेंगे तो जब कोई बड़ी घटना होती है उसके बाद जब ये अलर्ट होते हैं, अगर आप किसी भी चीज में देखेंगे तो बड़ी घटना होने के बाद अलर्ट होने का क्या मतलब होता है, अगर पहले से ही उस चीज को लेकर अलर्ट रहा जाए, पहले से उसकी व्यवस्था की जाए तो ऐसी घटना हो ही नहीं। और हर बार ये कहा जाता है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, बार बार ऐसी घटनाएं ना हो, उसको लेकर हम प्रयास कर रहे हैं, कड़े कदम उठाए जाएंगे, बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन फिर वही नतीजा अगर आप देखते हैं तो ढाक के 3 पात नजर आता है और फिर वही चीज होती है और फिर कोई घटना होती है तो फिर से वही चीजें घूम फिर कर सामने आती है। यानी कि कहीं पर भी गंभीरता की जो बात हम करते हैं कि गंभीरता की चीज जो है वो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है, जो गंभीरता बढ़ती जानी चाहिए, जिस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए, कहीं ना कहीं अफसरों की तरफ से उसमें लापरवाही देखी जाती है कि चलिए घटना हो गई, हमने सावधानी कर ली, छापे मार लिए। जैसे आपने हरदा का जिक्र किया, हरदा की इतनी बड़ी घटना होने के बाद आज तक हरदा के मामले में कोई अपडेट नहीं है, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहां के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। पूरे प्रदेश भर में दुकानों पर छापे मारे गए, दुकानों से जब्ती दिखाई गई, अवैध दुकानों को तोड़ा गया, हटाने की बात की गई है, पटाखा दुकानों को लेकर सारी चीजें की गई, लेकिन उसके बाद आप देख रहे होंगे तो पूरा मामला फिलहाल खंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है। सेम चीज आपके साथ ही सतपुड़ा भवन में जब आग लगी थी, वो भी मध्य प्रदेश सरकार का बहुत महत्वपूर्ण भवन है, कई दफ्तर वहां से चलते हैं, और सतपुड़ा में आग लगने के बाद भी जब बातें कहेंगे तो यही कहा गया था कि अब जो है इस तरह की कोई चीज नहीं होगी, लेकिन फायर ब्रिगेड के पास जो इंतजाम है, फायर ब्रिगेड की अपनी सीमा है, एक निश्चित सीमा तक फायर ब्रिगेड जाकर आग पर काबू पा सकती है, लेकिन बड़ी आग लगने की परिस्थिति में आपको क्या करना होगा, निश्चित तौर पर इसका इंतजाम करना भी बहुत बहुत जरूरी हो जाता है।
बिल्कुल, और बहुत जरूरी है सावधानी, सतर्कता बहुत जरूरी है। सर बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए और समझाने के लिए भी कि देखिए बहुत से ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं लेकिन अगर उनको फॉलो नहीं किया जा रहा और बहुत हल्के में क्योंकि लिया गया, छोटी सी आग, पहले लोग कह रहे थे आग छोटी है और उसको सीरियसली नहीं लिया गया और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। शैलेंद्र मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र तस्वीर दिखाइए और अपडेट दीजिए कि क्या आग को बुझाया जा सका है, 3 से 4 मंजिल में क्योंकि आग लगी तो किसी भी एक फ्लोर का आग जो काबू में आ पाया अब तक? देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आग अगले हिस्से से पिछले हिस्से की तरफ लगातार, देखिए तस्वीरों में जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरे हिस्से में लगी हुई थी और यही कारण है कि अभी पहले अगले हिस्से की तरफ की आग को बुझाया गया है, लेकिन आप पिछले हिस्से की तरफ अगर तस्वीरों में देखेंगे, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो पिछले हिस्से की तस्वीरें दिखाएं कि देखिए वहां भले ही आगे की तरफ धुआं उठना बंद हो गया हो, जहां आग की लपटें थी वहां बंद हो गई हो, लेकिन पीछे की तरफ जो धुआं है वो अभी भी लगातार बढ़ रहा है और ये बेहद खतरे की घंटी है कि अगर अंदर की तरफ आग बढ़ती है तो अंदर जो है वो अन्य बिल्डिंगें भी अंदर है तो उनको भी अपने चपेट में ले सकती है। तो अब फायर ब्रिगेड की पहली प्रायोरिटी जो है कि आखिरी जिस कोने पर आग लगी है वहां से बुझाते हुए आगे की तरफ लाया जाए, क्योंकि अगर आगे की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पर आके बिल्डिंग खत्म हो जाती है। तो अभी जो आग बुझाने का सिलसिला शुरू किया था आगे से पीछे की तरफ से किया गया था और आग जो है वो लगातार पीछे की तरफ बढ़ रही है, तो ऐसे में अब प्रायोरिटी ये है कि पहले पीछे की तरफ से आग बुझाई जाए ताकि अन्य जो बिल्डिंग्स हैं, जो आसपास जो दूसरी इमारतें हैं उनको वो अपनी चपेट में न ले। ये प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है, जो हाइड्रोलिक मशीनें हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया, उनके माध्यम से जो है पानी फेंकने का काम किया जा रहा है, यहाँ पर जो छोटी गाड़ियां हैं उनसे बाहर से पानी भर के मंगाया जा रहा है और जो गाड़ियां यहां पर मौजूद है उनको रिफिल किया जा रहा है। देखिए अभी इतना समय नहीं है कि आप बड़ी गाड़ियों को यहां से भेजकर रिफिल कराने भेजें और यही कारण है कि टैंकर्स के माध्यम से जो दूसरी छोटी गाड़ियां